पढ़ाई हुआ था लास्ट क्लास में, तो बहुत कम क्वेश्चंस है आपके लिए, आराम से मुझे आंसर चाहिए, पर इनके सारे आंसर मुझे मिलने चाहिए जल्दी आराम से। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड डैश पाथ, कैसे पाथ होते हैं, रास्ते कहते हैं इलेक्ट्रॉन के? सर्कुलर। सर्कुलर, वेरी गुड। सर्कुलर पाथ्स ऑफ डेफिनेट डैश एंड डैश, ऑफ डेफिनेट एनर्जी। यस बेटा, मैंने तो नहीं सोचा था कि एनर्जी आंसर आएगा कहीं से, डेफिनेट एनर्जी एंड रेडियस है ना, रेडियस नोन एज, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं। गुड, बहुत अच्छी आंसर आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर डैश बिटवीन टू ऑर्बिट्स, अलाउड not allowed. Okay, the stationary state of electrons numbered as n equal to 1 2 3 are known as dash numbers, quantum numbers. मैं बता रहा हूँ, ये मैंने आपको नहीं बताया है, पर ये जान लो जो बोर के ऑर्बिट्स है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल या के सेल, एल सेल, एम सेल, इसे हम लोग बेटा बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके, बोर के जो सेल्स होते हैं उनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बोला जाता है। The angular momentum of electron in third excited state is mvr by 2 pi. Jara soch ke bata, mvr phasane wala hai, mvr ye thoda phasane wala question hai actually. Pehle cell ko kya jata hai, ground state, ye dhyan do, pehle cell mein electron jab hai to usko bola jata hai ground state. जब इलेक्ट्रॉन मानो एक्साइट हो गए, कुछ एनर्जी गेन करके दूसरे घर में चला गया, तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ओके, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, दूसरे घर 2H by pi, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे घर को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब दूसरा सेल, n equal to 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n equal to 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब तीसरा घर के, मतलब चौथा घर का वो बात कर रहा है। तो MVR क्या होता है? NH by 2 pi होता है ना, MVR is equal to NH by 2 pi। तो बोला है आपको कौन सा घर में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब चौथा घर में, तो n का वैल्यू 4 into h divided by 2 pi, तो आंसर क्या होगा 2h by pi। सही है, समझ आया कि नहीं सबको? Sir, on the BL3 plus. H minus का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन आ चुका है, H एक इलेक्ट्रॉन होती है, माइनस एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ नहीं लागू, H plus सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये तो प्रोटोन, तो यहाँ तो वैलिड नहीं होगा। ट्रांस यूरेनियम मेटल, ये नया शब्द होगा आप लोगों के लिए। देखो, एटॉमिक नंबर जिसकी 92 से ऊपर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। एटॉमिक नंबर जिसकी 92 से ऊपर होती है उसको ट्रांस यूरेनियम मेटल, और B3 प्लस मतलब बेरियम की चार एटॉमिक नंबर होती है, तीन इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो तीन इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो तीन पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो चार में से तीन इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सिंगल। बेटा समझ गए? तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे आपके लिए, आराम से बना लोगे आप लोग, आई सपोज। मैं आगे बढ़ता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत क्वेश्चंस मेंस पे पूछा जाता है इस सेक्शन से, तो इसको मैं जल्दी जल्दी मिटाता हूँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ।
चलिए उससे पहले आगे बढ़े कुछ छोटे से एक काम करता हूं। आज मैं एक बॉर्डर बनाता हूं बोर्ड पे। इस बॉर्डर पे मैं क्या करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखूंगा, ठीक है, ताकि फॉर्मूलास दो चार बार प्रैक्टिस करना है और दिमाग में फॉर्मूलास रहने चाहिए। चलिए तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डील किया था सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? यस सर। बोलिए, चलो देखते हैं कितना याद है। एन स्क्वायर बाय जेड इनटू ई ई एम सर सर एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर बाय square m k z e square। okay n square h square 4 pi square m k z e square 0.529 into n square by z। okay, or radius ka aur ek formula hum log ne dekha tha, r n is equal to 0.529 n square by z and strong, है ना। तो ये नीचे वाला सेकंड नंबर फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से अक्सर कैलकुलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज आवर न्यूक्लियस। मैंने ये बनाया पहला सेल, मान लेते हैं पूरा है पर मैंने पार्शियल बनाया है, थोड़ा ही सा पार्ट बनाया है। मान लो ये वाला ए सेल, ओके, मान लो ये एल सेल है, ठीक है, मान लो ये एम सेल है, मान लो ये एन सेल है। आगे बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है, वैसे भी छिप गया है थोड़ा सा, ओके। अब देखिए ध्यान से, बड़े के सेल और एल सेल के बीच में जो दूरी है, एल और एम में दूरी थोड़ी ज्यादा है, एम और एन में दूरी और थोड़ी ज्यादा, ओके। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये डिस्टेंस बिटवीन सेल्स क्यों अलग अलग है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं, ओके, के सेल को हम लोगों ने पहला सेल बोला, मतलब एन इक्वल टू वन, और अभी आपको मालूम है यदि इलेक्ट्रॉन इस घर में है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे, कौन से सेल को? एल सेल। एन इज इक्वल्स टू टू, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। चलो वो तो कहानी है, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये सब, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा है ये वाला, आर एन इज इक्वल टू, आर एन इज इक्वल टू 0.529, आप दो चार बार तो लिख लो तो प्रैक्टिस होगा। आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एन स्ट्रॉन्ग, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूला को लगाता हूं हाइड्रोजन एटम के केस में, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम में ये फॉर्मूला लगा, फॉर हाइड्रोजन एटम,
देखिए, यदि मैं हाइड्रोजन एटम के पहले घर का रेडियस निकालता हूं आर वन, तो ये आएगा 0.529। पहला घर का निकाल रहा हूं तो एल का वैल्यू 1 लूंगा, 1 स्क्वायर, जेड का वैल्यू क्या लूंगा, 1। एटॉमिक नंबर 1 होती है हाइड्रोजन की, तो जेड का वैल्यू भी 1 एंगस्ट्रॉम। तो आपका जो पहला घर का है वो आ गया कहानी 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ध्यान से देखो, पहला घर का भी याद रखना है आपको, पहला घर का जो रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम का वो 0.529 एंगस्ट्रॉम है। देखो बोर्ड ने कैलकुलेट कर लिया कि इलेक्ट्रॉन, जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से कितना दूरी पे घूमेगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन थी और उस जमाने में इसको बहुत रेस्पेक्ट मिला। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये जो 0.529 है, 0.529 एंगस्ट्रॉम है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं विद द सिंबल ए नॉट। किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आपको यदि ए नॉट लिखा मिले कहीं तो ए नॉट का मतलब होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये दोनों एक ही चीज, इसी को बोलते हैं हम लोग ए नॉट। एक सिंबल यूज किया गया 0.529 एंगस्ट्रॉम के लिए। अब देखो बेटा, एक्चुअली अब ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है न्यूक्लियस के पहले सेल का, इसको हम लोग बोल दिए ए नॉट, ठीक है ना, ए नॉट। अब ए नॉट का डेफिनेशन कभी का स्कूल एग्जामिनेशन में पूछता है, इसको हम लोग बोर्स रेडियस भी बोलते हैं। बोर रेडियस मतलब बोर्स रेडियस बोलते हैं, बोर की रेडियस ए नॉट, ए नॉट इज नोन एज बोर्स रेडियस। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द रेडियस ऑफ, इट इज द रेडियस ऑफ ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसको हम लोग ए नॉट बोलते हैं, या उसको हम लोग बोर की रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गई। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है कुछ थोड़ा आप बदल जाए, बदल क्या जाएगा इसी को थोड़ा मैं चेंज करूं। ये 0.529 Rn = 0.529 n square by z angstrom। अब देखो बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को मैंने क्या बोला, a नॉट, बोर्स a नॉट, 0.529 angstrom को बोला मैंने a नॉट। तो आपका जो रेडियस का फॉर्मूला है वो एक नया ढंग का आ गया, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, कोई एंगस्ट्रॉम उंगस्ट्रॉम नहीं, 0.529 एंगस्ट्रॉम ए नॉट हो गया। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया रेडियस निकालने का, इतना बड़ा जो फॉर्मूला था वो बन गया आप ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ए नॉट का मतलब याद रखना है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। किसी भी घर का रेडियस निकालना है, आर टू पुट करो, दूसरा घर निकालना है तो यहाँ टू पुट करो और एटॉमिक नंबर पुट करो, मिल जाएगा आपको। तो रेडियस का एक नया फॉर्मूला हमारे पास रेडी हो गया है, Rn is equal to a naught n square by z angstrom। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, Rn a naught n square by z angstrom, सॉरी angstrom नहीं होता, angstrom, and a naught तो 0.529 angstrom खुद होता है। तो Rn का फॉर्मूला क्या हो गया, a नॉट n square by z, सिर्फ angstrom में। तो अब चलो हम हाइड्रोजन के दूसरे घर का घर डालते हैं, ये तो पहला घर हो गया, पहला घर। अब चलो हम दूसरा घर का निकालते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नहीं निकालते, ये हाइड्रोजन की कहानी है, ठीक है। दूसरा का देखो बेटा ध्यान से, तो दूसरा का क्या होगा,
ए नॉट एन की जगह टू दूसरा घर तो टू तो टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय तो अच्छी घर होता है टू का वैल्यू आ गया फोर ए नॉट ठीक है ना। अब वैसे ही मैं आपसे आर थ्री का पूछू तो आर थ्री का कितना होगा तीसरा घर का रेडियस कितना होगा नाइन नाइन ए नॉट नाइन ए नॉट अब आपको कहानी गौर करना है यहाँ पे कुछ कहानी कुछ इस प्रकार है पहले घर का जो रेडियस है ये ए नॉट दूसरा घर का जो रेडियस है वो फोर ए नॉट है तीसरा घर का जो रेडियस है सिक्सटीन ए नॉट नहीं नाइन ए नॉट और चौथा घर का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इट्स सिक्सटीन ए नॉट कितना सिक्सटीन ए नॉट। आप बेटा ध्यान से देखो गौर से यदि मैं आपसे ये दोनों घर के बीच का डिफरेंस पूछूं के सेल और एल सेल के बीच का डिफरेंस कितना है चार ए नॉट है ए नॉट थ्री ए नॉट थ्री ए नॉट हो गई ये पूरा चार ए नॉट निकाले थ्री ए नॉट ये पूरा नाइन ए नॉट यहाँ तक फोर ए नॉट तो ये कितना हो गया ये वाला टोटल 16 ए नॉट यहाँ तक 9 ए नॉट तो कितना ए नॉट 7 ए नॉट 7 ए नॉट। तो आपको क्या समझ आया कि दो सेल के बीच में जो दूरी होती है वो बढ़ते जा रही है जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। ओके दो सेल के बीच में दूरी बढ़ते जा रही है यदि हम से दूर जा रहे हैं याद रखना है आपको ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी सेट होता है कभी काल से तो जल्दी से बताना आर थ्री माइनस आर टू या ऐसे आर टू माइनस आर वन आर थ्री माइनस आर टू आर फोर माइनस आर थ्री आर वन माइनस आर फोर ये कैसे होगा ये वाला सही है क्या नो सर नो सर नो सही है नो नो सर लेस देन होगा लेस देन होगा नो देन होगा सर इन्होंने का डिस्टेंस सबसे कम फिर ये वाला थोड़ा ज्यादा ये वाला और ज्यादा ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो आई सपोज आपको ये पार्ट समझ आ गई होगी और फॉर्मूला जो है ये देख लेना और ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना पहला ए नॉट दूसरा फोर ए नॉट याद करने का जरूरत नहीं है तुरंत दिमाग में आ जाएगा ये सब कैसे नाइन ए नॉट सिक्सटीन ए नॉट होल रेडियस क्या होती है ये इम्पोर्टेंट चीज है। ओके बेटा याद रहेगा सबको यस जल्दी से थोड़ा हट जाता हूँ जल्दी से आप दो मिनट में स्टार्ट करो सर हाइड्रोजन का तो एक ही सेल होता है ना क्या बोल रहे हो हाइड्रोजन का तो एक सेल होता है ना एक सेल होता है तो आप रेडियस टू थ्री फोर कैसे निकालनी है इसका बेटा एक सेल नहीं होता यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसमें है मानो उसने एनर्जी गेन किया तो वो यहाँ नहीं चल जाएगा ये सब भेज सकते हैं हाँ और एनर्जी गेन के लिए और दूर जाएगा और दूर जाएगा सर फिर प्रोटॉन इसके पास कहाँ से आएगा सर इसके पास सर हाइड्रोजन के पास सर प्रोटोन एक प्रोटोन तो है ही हाइड्रोजन के पास तो सर चार गो सेल कैसे बन जाएगा सर क्या बोल रहे बेटा समझे नहीं चार गो सर जैसे अगर माने तो जो हाइड्रोजन है वो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन और लेके वो एल सेल तक बना सकता है सर एम और एल सर सही में किया जाएगा देखो के सेल एल सेल एम सेल एन सेल सिर्फ दूरी बता रहा है न्यूक्लियस एक ही इलेक्ट्रॉन में बोर का नियम लागू है प्रोटोन बढ़ने का जरूरत नहीं है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटोन है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है मान लो
अब उसने किसी क्वांटम से कुछ एनर्जी गेन कर लिया तो वो यहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता, जा सकता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाएगा और थोड़ा एनर्जी गेन कर लेगा तो और दूर नहीं हो सकता है, और थोड़ा एनर्जी गेन कर लेगा और दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता। यस सर हो सकता है सर, मतलब रियली में लेकिन इतना एम और एन सेल नहीं बन पाएगा ना, कहीं नहीं बन पाएगा सेल, कुछ थोड़े दूरी इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा सकता, इतना एनर्जी गेन कर लेगा यहां तक क्यों नहीं पहुंच जाएगा। अब तो सर वहां तक पहुंचता तो निकल ही जाएगा सर इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, यदि न्यूक्लियर पुल के बाहर चल जाएगा तब निकलेगा, वो कहानी मैं बताऊंगा। मान लो न्यूक्लियर अभी इतना दूर नहीं है बेटा, ये देखने में लग रहा है आपको, न्यूक्लियर का पुल है तभी तक सेल की बात हो रही है, न्यूक्लियर पुल के बाहर निकल गया तब तो इलेक्ट्रॉन एटम में है ही नहीं, तब वो बन जाएगा क्या एच प्लस बन जाएगा, तब वो बन गया एच प्लस, तब वो बोर का नियम लागू ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चल गया है कि नहीं। ओके अच्छी क्वेश्चन है, सोच रहे हो, क्या नाम है बेटा आपका? सर सानू। गुड बेटा, अच्छा सोचने वाला चीज सोच रहे हो, पर इलेक्ट्रॉन काफी दूर जा सकता है न्यूक्लियस से, बहुत दूर जा सकता है, अनंत दूरी तक जा सकता है। अब निकल गया न्यूक्लियर पुल के बाहर तो अनंत ही चला गया, बात बताएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ बताएंगे। मिटा दी बेटा ये वाला। यस सर। जो आप सोच रहे हैं उसका जवाब आपको मिलेगा आगे वाले कोर्स में। चलिए आगे की कहानी, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए क्या देखना है, हाँ एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, बनाना हो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ के एल एम एन शेल ऑफ एच ई बी एल आई, क्या आप ये बना सकते हो इसका आंसर? नो सर, नो सर, यस सर, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कैसे बनेगा ये? नहीं बनेगा, उसमें प्लस डालिए, उसमें प्लस प्लस डाल देंगे तो बन जाएगा। यस आप के सेल एल सेल एम सेल या एन सेल का नहीं निकाल सकते हो बोर के नियम से जब तक वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं, यस नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? Hg प्लस दो इलेक्ट्रॉन होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब निकलेगा, इसमें तीन होती है Li2 प्लस कर दो तब निकलेगा, आप इनका आप निकाल दो। ओके एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन आप K सेल में था तो K सेल से एक्साइट होकर L में चला गया, मानो निकालता तो M सेल में चला गया, फिर N सेल में चला, तो वैसे आपको निकाल, ये निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये निकालना है आपका होमवर्क, आराम से निकाल लेना सोच के, और ए नॉट के टर्म में निकालना, अब सारी कहानी ए नॉट में बन, ठीक है? सर सर लास्ट क्लास का वीडियो कब तक आएगा सर? आ जाएगा बेटा, क्या मिस किया है क्या लास्ट? हाँ सर, हाँ ठीक है बेटा मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा भी मिस हो गया था, ठीक है बेटा देख लेते हैं। सर ऊपर वाला क्वेश्चन एप्सिलॉन नॉट में निकाल सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट में क्यों निकालोगे, उतना मुश्किल काम क्यों करना जब ये सिंपल फॉर्मूला आ चुका है। ओके अब देखिए एक अच्छी क्वेश्चन है आपके लिए, अब ये कौन बनाता है? मान लो कि इलेक्ट्रॉन है यहां गया हुआ है Li प्लस आयन का, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भाग गया Li2 प्लस का भाग गया, अब आपको क्या करना है? ये Hg प्लस है, ठीक है, आपको ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है d, ये डिस्टेंस d दिया हुआ है। ओके बोला गया है देयरफॉर कैलकुलेट रेडियस
रेडियस ऑफ सेकंड सेल फॉर एच ई प्लस इन टर्म्स ऑफ डी बना क्या होगा इसका आंसर? आपको दिया हुआ है लिथियम 2 प्लस के तीसरे सेल का डिस्टेंस डी, ठीक है, रेडियस दिया हुआ। आपको बोला गया है हीलियम प्लस का दूसरे सेल का डिस्टेंस निकालना। सर हीलियम का 2 ए नॉट हो तो? नहीं 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 गलत है, सोचो और थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। सपोज करो आपको मालूम है कि आर थ्री दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा। आर थ्री का फॉर्मूला मैं क्या निकालूंगा? ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। एन स्क्वायर मतलब क्या? थ्री स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर। बोलिए सर। आ गया सर, टू डी बाय थ्री। ओके बेटा देखते हैं। ए नॉट एन स्क्वायर, एन की जगह में थ्री, थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 होती है, ठीक है ना। अब R 3 का वैल्यू दिया हुआ है डी, डी इज इक्वल टू 3 ए नॉट, मतलब ए नॉट हो गया डी बाय 3, ठीक है ना, ए नॉट हो गया डी बाय 3। अब देखिए मैं इसका निकालता हूं R 2 का, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। R2 के प्लेस में A नॉट, N के जगह में 2 स्क्वायर और हीलियम है तो 2 होगी Z की वैल्यू, है ना, N स्क्वायर बाय Z 2, तो 2 गया 2 गया। R2 इज इक्वल टू A नॉट के जगह में मैं लिख दूंगा D बाय 3, है ना, D बाय, तो R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 D बाय 3। समझ आ गया? यस सर, यस सर। सिंपल सा थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल रिक्वायर्ड था, सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन जी, कुछ था नहीं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग? यस सर, यस सर। चलिए बेटा ये वाला बना लेना बेटा, ये जरूरी है क्योंकि वैल्यूज पूछे जाते हैं कभी कभी, एक बार सॉल्व कर लो दिमाग में। हम लोग देखते हैं आगे, जिस तरह बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कितना दूरी पे घूमेगा न्यूक्लियस से, वो डिस्टेंस फिक्स है, सेल की डिस्टेंस फिक्स है, फिर दूसरा सेल में जाएगा तो कुछ दूरी के बाद वहां घूमेगा, वो भी डिस्टेंस फिक्स है, और मानो कुछ एनर्जी गेन करके तीसरा सेल में गेन चला गया इलेक्ट्रॉन यदि, तो कुछ दूरी छोड़ेगा फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन घूमेगा, है ना, के सेल में घूमा फिर कुछ डिस्टेंस छोड़ देगा, फिर एल सेल में जाएगा वहां घूमेगा, फिर एनर्जी गेन किया तो फिर ये कुछ दूरी छोड़ेगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ठीक उसी प्रकार उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर सेल में घूमेगा उसकी वेलोसिटी फिक्स रहेगी जिसको निकाला जा सकता है। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, ठीक है ना, हम लोग ये निकालेंगे। आप वेलोसिटी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, हम लोग के सेल का रेडियस क्या होगा पता चल गया, एल सेल का रेडियस क्या होगा या एम सेल का रेडियस क्या होगा ये हम लोगों ने पता किया। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि वेलोसिटी कितना होगा के सेल में या एल सेल में या एम सेल में। तो चलिए आप सभी को मालूम है ये फॉर्मूला कि नहीं मालूम है? यस सर। क्या बोलते सर वो सब दोनों इक्वेशन था, एंगुलर मोमेंटम। देखिएगा बेटा
ओके तो V को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं बोलो मेरे साथ में, NH by 2 pi pi MR 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 ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग R is equal to N square H square by 4 pi square MK Z E square। बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ये पूछा गया, ये मतलब आपके मेडिकल के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि आर का क्या वैल्यू है, 10 बार लिख के प्रैक्टिस करो। ओके ये डायरेक्ट आपसे पूछा गया ये वाला, और यदि आप भूल भी जाते हैं तो आपको डिराइव करने आता है, ठीक है। तो ऑप्शन देता है वो बड़ा टेक्निकली चेंज कर देता है ऑप्शन को, ई गाइड कर देगा या जेड स्क्वायर कर देगा या के स्क्वायर कर देगा कंफ्यूज करने के लिए, बट उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपको कंफ्यूज करे, उसका मतलब है कि आपको डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन आता है तो 20 सेकंड में डिराइव कर दो। ओके तो सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर यहां पे, तो v इक्वल टू n h बाय 2 पाई m इनटू क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 pi square mk z square। ओके अब क्या क्या कट सकता है, काटो m कट सकता है, कट जाएगा है ना, pi कटेगा square कटेगा ठीक है, 2 कटेगा 2 आएगा ठीक है ना, h कटेगा सॉरी n का square कटेगा, n कटेगा h कटेगा h, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल टू 2 k z स्क्वायर 2 k z स्क्वायर बाय नीचे में क्या है n के पाई भी है, पाई है ना, 2 पाई k z स्क्वायर अंडरस्टूड, 2 पाई k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n h, ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है ना। यदि छूट गया होगा कुछ तो देख लेना, मैंने भी रटा नहीं है ये फॉर्मूला को, डिराइव ही करता हूं। तो ये हो गया कहानी, 2 पाई k z स्क्वायर बाय n h आपको रटने की जरूरत नहीं, डिराइव करना है। अब देखो इसमें कांस्टेंट कौन-कौन है, 2 पाई कांस्टेंट है कि नहीं, k कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, k इज इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो जान लो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है जो मैं दिया हूं, e इज आल्सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जो कांस्टेंट होती है, n होती है सेल की नंबर जो कांस्टेंट है। तो जो जो कांस्टेंट है वो सारे के वैल्यूज को पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला कुछ बन गया ऐसा, v n h ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दिया, 2 पाई k का वैल्यू होता 9 * 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, 1.6 * 10 की पावर माइनस 19, 6.626 * 10 की पावर माइनस 34 सब पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, आपका मन है घर में आप सॉल्व कर सकते हो बट कोई जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूं वही करता है। Vn का फॉर्मूला आएगा सारे कांस्टेंट को पुट करने के बाद 2.18 into 10 to the power 6 वेरिएबल्स जो है वो रहेंगे z by n, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेलोसिटी कोई भी घर में पहला घर में निकालना है किसी का तो फॉर्मूला होगा 2.18 into 10 to the power 6 एटॉमिक नंबर उसका लिखो, सेल नंबर लिखो, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके समझ गए, गॉट इट। आप देखो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ओके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर, सेल ज्यादा होता जाएगा तो आपका वेलोसिटी घटेगा। ओके
किस तरह किससे प्रोपोर्शनल है ये आपको दिमाग में रखनी है, और ये फॉर्मूला को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है। ओके, बच्चे अक्सर भूल भी जाते हैं, तो 2.18 है, 8 में से 2 ज्यादा 6 होता है, या 3 * 10 टू द पावर 4 तो 8 होता है, तो 8 से 2 माइनस हुआ तो 6, 2.18 * 10 टू द पावर 6 ऐसे याद रखना, ठीक है। तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इस तरीके से, फॉर्मूला में यहां पे लिख दे रहा हूं, ये फॉर्मूला सबको याद रहनी चाहिए, 2.18 * 10 टू द पावर 6 z / l एटॉमिक नंबर / सेल नंबर मीटर पर सेकंड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए कोई भी घर में vn समझ आया बेटा ये वाला डेरिवेशन? यस सर। ये वाला कर लेना एक बार डायरेक्ट, ठीक है ना, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, हम यार रेडियस का डाले हैं, रेडियस वाला थोड़ा सा याद कर लेना, वो काम आती है, ठीक। चलिए मिटा रहे, पेन रेडी रखो, जल्दी बनाना है, जो बच्चा जल्दी बनाएगा वो अपना नाम के साथ मुझे बोलना, ठीक है ना, बनाया। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन थर्ड शेल ऑफ Li 2 plus and second cell of and fourth cell of B 3 plus. Calculate the ratio of velocity of an electron in third cell of Li 2 plus and fourth cell of B 3 plus. Sir, 1:1. Good. Good. क्या नाम है बेटा आपका? Sir, Lavanya. अच्छा, कहाँ पे रहते हो आप? कौन से सेंटर में ज्वाइन करोगे? Sir, बैंक मोड. बैंक मोड सेंटर. Good. चलिए जहाँ भी. देखते हैं हम लोग. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन मुंह में बननी चाहिए. रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन जी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। okay, खासकर रीजन ये होता है कि कैलकुलेशन कम होता है। देखो एक नॉर्मल बच्चा जब इस सम को बनाएगा तो क्या करेगा, तो पहले वो क्या करेगा, लिथियम का वेलोसिटी निकालेगा तीसरा घर में, तो 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, जेड हो गई कितना 3 और वो भी हो गई 3, तो 3 कट गया, ये तो आपका किस्मत, और वो निकालेगा फिर बेरिलियम का कहां चौथे घर को Li 2 plus Li 3, तो 2.18 into 10 to the power 6 into चौथा घर बोला है, n भी चौथा है, चलो ये सम तो बहुत सिंपल है, कट गई, रेशियो निकालना है तो v Li 2 plus और v b 3 plus सब कट जाएगा, 2.18 into 10 to the power 6 ऊपर में है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2.1 * 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड, 1:1 रेशियो आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें तो वैल्यूज कट गए, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां वैल्यू नहीं कटेगा, तो ऐसे रेशियो वाले सवाल कभी भी आएंगे, देखो किस तरह बनाना मैं बता दे रहा हूं, सो मिटा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, कभी भी रेशियो वाले सवाल आएंगे ना तो क्या करना है, देखो बेटा एक बात आप जानते हो, रेशियो मतलब डिवाइड होता है Li 2 plus तीसरा घर और B 3 plus चौथा घर, फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला में जो कांस्टेंट होते हैं वो तो कट जाते हैं, रेशियो में है डिवाइड किए हो तो कांस्टेंट तो कटना ही, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ उसको ही पुट करो, इसका z1
डिवाइडेड बाय n1 क्योंकि ये वाला कांस्टेंट है दोनों के केस में सेम रहेगा डिवाइडेड बाय इसका z2 डिवाइडेड बाय n2 तो z1 बाय n1 उल्टा कर देना n2 बाय z2 ओके ये करके बना सकते हो तो z1 देखो इसका 3 था इसका 3 था इसका 4 था इसका 4 कट गया और इसको ओके तो ऐसे सम जब रहेंगे तो जब वैल्यूज कटने वाले नहीं रहेंगे तो आराम से कार्टून के बना लो है कि नहीं कांस्टेंट का खेल नहीं होगा और कांस्टेंट के कैलकुलेशंस नहीं मिलेंगे आराम से ऐसे सम बनेगा गॉट इट तो रेशियो वाले क्वेश्चंस में हमेशा डायरेक्ट डिवाइड कर देना इग्नोरिंग द कांस्टेंट्स क्योंकि डिपेंड तो करेगा वेरिएबल पे ही ना अंडरस्टूड समझ आ गया कि नहीं जो बोलना चाह रहा हूं मैं यस सर यस सर तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये तो किस्मत था कि सिंपल कैलकुलेशंस था इसमें calculation of time period of revolution in Bohr's orbit Bohr's ke orbit mein time period of revolution kya hoga time period of revolution matlab ki suppose karo ki ek particular cell hai तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन इसका जो एक चक्कर मारेगा तो एक चक्कर मारने के लिए उसे कितना समय लगेगा दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन अ पर्टिकुलर सेल ओके सपोज करो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होगा ठीक है ना डिस्टेंस 2 पाई आर स्पीड का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड को v से भी मैंने वेलोसिटी लिख दिया स्पीड को वेलोसिटी लिख दिया क्या कि यहां पे डायरेक्शनल मोशन है ना देख सकते हैं ओके गॉट इट v अब देखो मैं आपको प्रोपोर्शनल के ही तरीके से ये बताता हूं तो मुझे एक बात बताओ टाइम पीरियड किससे प्रोपोर्शनल है रेडियस से और वेलोसिटी गॉट इट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड वेलोसिटी तो कैसे प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये इसकी रिलेशन है ये दिमाग में रहनी चाहिए आप चलो देखते हैं एक पल के लिए कि रेडियस किससे प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का फार्मूला होता है a नॉट n स्क्वायर बाय z और वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2.18 * 10 टू द पावर 6 z बाय n मीटर पर आप देखिए रेडियस जिससे प्रोपोर्शनल है मैं उसको डाल दूंगा तो टाइम पीरियड रेडियस ऊपर में है तो रेडियस प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाय z ठीक है ना रेडियस प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाय z से तो रेडियस जिससे प्रोपोर्शनल है मैं उसको लिख n स्क्वायर बाय z मतलब सेल नंबर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वेलोसिटी किससे प्रोपोर्शनल है z बाय n से तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन प्रोपोर्शनल होगा n क्यूब बाय z into n by z तो time period of revolution होगा proportional n cubed by z square तो time period of revolution कोई भी particular cell में will be directly proportional to n cubed by z square okay ये दिमाग में रखें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किससे प्रोपोर्शनल है n क्यूब से डायरेक्टली और z स्क्वायर से ओके याद रहेगा सिंपल सा कहानी है चलो क्वेश्चन बना लेंगे
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन फोर्थ सेल ऑफ Fe2 plus and third cell of Li2 plus. चलिए बनाइए तो calculate the ratio of time period of revolution in fourth cell of Fe plus and third cell of Li2 plus. 16:3. ठीक है जो भी है चलो देख लेते हैं. Very good. T1 by T2, ठीक है ना. T1 हम मान लेते हैं किसको हीलियम, तो हीलियम की Fe plus चौथा घर. इसका क्या है Li2 plus कौन सा घर बोला है तीसरा घर है ना. अब चलो देखते हैं हम लोग ये वाला किससे प्रपोजल होगा L cube by Z square. तो N इसका कौन सा दिया हुआ है चौथा दिया हुआ N cube. ओके 4 cube by z square. हीलियम का क्या होता है z 2 square. कोई दिक्कत नहीं. आप देखो divided by li कौन सा सेल थर्ड सेल तो 3 cube n cube divided by so 16:1 square. ठीक है ना वही आएगा थर्ड सेल का. तो थर्ड होता है एलिमेंट नंबर 3 स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से. इसको 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं. लिख सकते हैं कि नहीं. और क्यूब को 2 टू द पावर 6 लिखा जा सकता है. लिख सकते हैं कि नहीं. यस सर. हां 2 स्क्वायर और ठीक है ना बाहर जाएगा 2 टू द पावर 6 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1. कर सकते हो ना सॉल्व. अब तो कर लोगे सॉल्व. ये इंडिसेस मालूम है ऊपर जाएगा तो कट जाता है 2 टू द पावर 4 हो गया. 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा कि नहीं. यस सर. हां तो ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जो मेंस में पूछे जाएंगे. पूरा फार्मूला रटने के लिए प्रोपोर्शनलिटी थोड़ा ध्यान देना. रेशियो ऑफ रेडियस भी पूछेगा. ओके तो फटाफट से इसको कर लो. कुछ है नहीं इसमें बेटा. दे ये भी फॉर्मूला जो चार में लिखे हैं इधर देख लो. टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होगा n क्यूब से बाय z स्क्वायर. कोई भी सही जो फॉर्मूलाज लिखे हैं एक बार आराम से आप ही कॉपी में देखो. एक बात मेरा बात सुनो. केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला जितना ही बताऊंगा वो तो आराम से डिराइव रहेगी कड़ी लोगे याद. फिजिक्स में भी डिराइव रहेगी याद रहेगी. अभी से एक काम करो A4 सीट लेना. अभी से करोगे ना तो बहुत फायदा हो. एक A4 सीट लेना ठीक है. एक A4 सीट में कोशिश करना 3-4 चैप्टर का फॉर्मूला घुसा दो. छोटा छोटा करके लिखना. 3-4 चैप्टर का फॉर्मूला एक A4 सीट में आ जाना. तो रिवीजन टाइम में काम आता है कि जब जिस दिन IIT का एग्जाम होगा उस दिन आप पूरा किताब पलट नहीं सकते. A4 सीट 4-5 A4 सीट में पूरी सिलेबस आ जानी चाहिए आपकी. केमिस्ट्री फिजिकल इनऑर्गेनिक के और 4-5 सीट में. ऑर्गेनिक के भी कुछ ऐसे 4-5 सीट्स बन जाएंगे. तो एक बार देख लोगे ना तो आंख के आगे सब दौड़ी रहेंगे. तो अभी से आदत डालो. एक A4 सीट लो और एक फाइल खरीदो. उस A4 सीट में उस फाइल को घुसाओ. सॉरी उस फाइल में A4 सीट को घुसाओ और छोटे छोटे करके फॉर्मूलाज लिखते जाओ. एक चैप्टर के ज्यादा मत करना. एक A4 सीट का एक कॉर्नर ही लेना. वैसे करके आप बनाओ सीट्स तो आपको याद रहे. ठीक चीज डिराइव कर. देखो कैलकुलेशन भी फास्ट चाहिए ना. हर जगह तो डेरिवेशन नहीं किया जा सकता है. तो कुछ खासकर फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल हो गया. फॉर्मूलाज रहेंगे. केमिस्ट्री में भी रहेगा. ओके तो ये दिमाग में रखना है. करना है ये सब चीज ठीक है ना. अभी से आदत डालोगे तो 2 साल बाद इसके फ्रूट्स मिलेंगे. ओके बेटा दे बेटा. यस सर. यस सर. देखो ऐसे हमें भी करना पड़ता है. अभी एज अ टीचर हम लोगों को भी करना पड़ता है. यदि 2-4 महीना हम लोग पढ़ाना छोड़ दें तो हमें भी नोट्स को एक बार पढ़ना पड़ता है. फॉर्मूला स्लिप करते हैं दिमाग से. तो आपको यदि एक जगह लिखा रहेगा तो आराम से आप रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में फटाफट आ जाएगा. तो आप लोगों को भी करना है ये सब चीज. ओके अंडरस्टूड. जरूर.
ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट. देखिएगा कोई भी सिस्टम का जो बेटा टोटल एनर्जी होता है उसको आप कैसे लिखते हो? कोई भी सिस्टम का टोटल एनर्जी सम ऑफ कौन कौन से एनर्जी होते हैं? पोटेंशियल एंड काइनेटिक. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. कोई भी सिस्टम का एनर्जी वी कैन गिव बाय द समेशन ऑफ टू एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम है? हाफ एम वी स्क्वायर. हाँ, मास ऑफ द पार्टिकल बाय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एक एटम के केस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एटम में, दैट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला दैट इज माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर. अब देखो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर चीज का रीजन दूंगा, बट अभी मैं इसका रीजन आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपको इंटीग्रेशन अभी नहीं आता है. आप लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशंस पढ़ लोगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स, तब मैं आपको समझा दूंगा कि ये वाला कहां से आया है. ठीक है, तो फिलहाल इसको दिमाग में रख लो बिकॉज इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट आपको चाहिए ये समझ. तो फिलहाल आपको दिमाग में ये रखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज गिवन बाय द फार्मूला माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर. के कॉन्स्टेंट होती है, Z एटॉमिक नंबर, E चार्ज, R रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. सर T क्या है सर? E बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹. सर सर ये वाला T इक्वल टू सर T क्या मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा सर. पोटेंशियल एनर्जी. ओके सर. टोटल एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूं. टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी को लिख देंगे क्या? जो प्लस साइन माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर. किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब देखो एज पर एम बी स्क्वायर बाय आर, जिसको सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं, एज पर सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये सबको मालूम है ना? यस सर. लास्ट क्लास में बताया था कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो एक ऐसी फोर्स होती है जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरत होता है. पढ़ोगे फिजिक्स में सेंट्रीपेटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरत पड़ता है और दैट इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ एन एटम, मतलब इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं. तो सेंट्रीपेटल फोर्स घूमने के लिए मिलती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसका फार्मूला होता है kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर. जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं बार-बार क्योंकि आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा. ओके, वहां पे मैं समझाया हूं सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब समझने की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि ये एक फॉर्मूला होता है जहां पे एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर. अब ये आर काट लिया और ये स्क्वायर काट, तो एम बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया के जेड स्क्वायर बाय आर. दिस इज टू, दिस इज वन. अब मैं क्या करता हूं, ये जो एम बी स्क्वायर का वैल्यू है इसको मैं पुट करता हूं यहां. ओके, पुटिंग mv square equal to kz square by r in 1 पहला में डाल दिया. तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू हाफ mv square की जगह k e square by r by r, कोई दिक्कत नहीं, माइनस
z square by r. ओके अब मुझे एक बात बताना, मैं यदि हाफ x से x निकाल दूं तो कितना मिलेगा? माइनस हाफ x. हाफ x से माइनस x निकालूंगा तो माइनस हाफ x, ठीक है ना? अब ये देखो, ये वाला और ये वाला सेम, kz square by r, kz square by r, इसको x मान लो, इसको x मान लो, हाफ x माइनस x, तो टोटल एनर्जी आ गई माइनस kz square by r, kz square by r. ये आ गया टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी क्या आ गया? माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर. इसको कोई दिक्कत यहाँ तक? सर इक्वेशन वन में सर के जेड स्क्वायर बाय आर और इक्वेशन टू में सर आप के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखे सर. कहाँ आर स्क्वायर लिखे होगा? ये वाला बोल रहे हो क्या? यस सर. सर के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और इक्वेशन वन में के जेड स्क्वायर बाय आर ओनली. बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है और ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है. अच्छा वो ऊपर और ये अलग अलग फॉर्मूला है. हाँ बताया नहीं थे? नहीं थे क्या लास्ट क्लास? नहीं थे. के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर भूल गए? यस सर. चलिए ये तो कहानी हो गया. अब देखो putting mv is equal to kz e r नीचे लिखे हैं, सिर्फ r स्क्वायर नीचे होना चाहिए. आप इक्वेशन फर्स्ट वाला जो putting लिखे हैं. हां सर. putting mv स्क्वायर इज इक्वल टू kz स्क्वायर बाय r mv स्क्वायर. यस सर. r कट गया, स्क्वायर कट गया. यस सर. यस ठीक है ना? यस. ओके तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ kz स्क्वायर बाय r. ओके अब मैं क्या करता हूं? अब मैं क्या करूंगा? आर के जगह में वैल्यू पुट करूंगा. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड स्क्वायर. अब आर के जगह में मैं लगाऊंगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये वाला एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर में फोर पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर. ठीक है ना? सिंपल सी डेरिवेशन है, कुछ नहीं है. ध्यान दो, यदि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से बता रहा हूं. टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है. काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है. ये जेड स्क्वायर बाय आर. अब आपको ये एक फॉर्मूला मैंने बताया जो पहले आपको मालूम है, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. स्क्वायर कटा स्क्वायर कटा, एम वी स्क्वायर आ गया के जेड स्क्वायर बाय आर. mv square is equal to kz square by r. तो मैंने ये mv square के सामने पुट किया, half kz square by r minus ये वाला value, ठीक है ना? minus करने के बाद आ गया minus half x, वही minus half ठीक है ना? अब मैंने r के जगह में पुट कर दिया, r के जगह में ध्यान से देखो, r के जगह में पुट किया n square x square by 4 pi square m k z square. अब काटो क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा? एक्स स्क्वायर कुछ नहीं कट रहा. ओके ये टू कटेगा, ये टू कटेगा, कटेगा ना? आप देखो फॉर्मूला क्या बन गई, टू पाई स्क्वायर. ओके टू पाई स्क्वायर के स्क्वायर, के स्क्वायर m, ठीक है ना? k स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 n स्क्वायर x स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, डिराइव देख लेना एक बार कि क्या क्या बचता है. ओके समझ गए? यस सर. और कुछ कटेगा क्या? नो सर नहीं कटेगा. ठीक है सही है. अब देखिए ये तो सिंपल चीज है, मैथमेटिकल पार्ट है, एक बार आपको करना है ध्यान. अब देखो इसमें क्या है, 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, k स्क्वायर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज
कांस्टेंट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है। अब देखिए सारे कांस्टेंट के वैल्यूज को जब आप पुट कर देते हो तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है ई, सॉरी मैं ई लिख देता हूं, ई एन एफ। ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू आप जब पुट कर देते हो तो आपका फॉर्मूला बन जाता है -13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट करो और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा -13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोल कर रहा हूं, थोड़ा ओवरक्राउडिंग हो गया बोर्ड पे। ओके, ये फॉर्मूला, और इसको एक और फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि जूल की फॉर्म में होती है, तो जूल की फॉर्म में वो फॉर्मूला हो जाता है En is equal to -2.18। बेटा माइनस साइन बनेगा, ध्यान देना, ये माइनस है ना, माइनस साइन बनेगा। ओके, तो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल, ये भी एक फॉर्मूला आता है इसका। ओके, थोड़ा बोर्ड पे ओवर क्राउडिंग हो चुका है, पर समझ आया कि नहीं आया? सर दो दो फॉर्मूला लिख दिया आप, वो क्या दोनों दो फॉर्मूला इसलिए लिखा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक अलग यूनिट है उसमें आई है, और एक जूल के टर्म में आई है, ठीक है ना जी, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, बहुत सिंपल है, एक दो बार डिराइव कर लोगे बहुत आराम से समझ आ जाएगी, थोड़ी क्राउडिंग है तो इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूं। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला होता है, लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या किया है, आर कटा स्क्वायर कटा, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर आ गया। अब एम वी स्क्वायर के जगह में ये लिख दिया के जेड स्क्वायर बाय आर, तो ये सॉल्व करने के बाद टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, r के जगह में होगी n square by s square by 4 pi square m k z square, लिखा आउटपुट कर दो और जो जो कांस्टेंट है वैल्यू डालो तो वैल्यू आ जाएगी -13.6 z square by n square, क्योंकि यही वेरिएबल है z square n square। ओके, z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको दूसरे यूनिट में मैंने कन्वर्ट करके दिया जूल के टर्म में, जूल। ओके, दो तीन बार प्रैक्टिस कर लो समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत किसी को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे ना एक बार घर में, करना है कि नहीं करना है? यस सर। यस सर। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो मुझसे फिर से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल मैथ्स है। अगर से बोला सर वो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, अगर क्वेश्चन में किया गया कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे? हाँ हाँ आएगा 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 आएगा, वो भी आएगा, पहले इसको तो कर लो। ऐसे ही सर वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया? मैंने बोला ना थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ लो तब आए बताएंगे वो कहाँ से आया, ठीक है? व्हाट इट, वो मैं बाद में बताऊंगा। के का क्या होता है? के का वैल्यू, के का वैल्यू बताया था ना लास्ट क्लास में, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, के का वैल्यू होता है, तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आएगी क्लास 12th में, पहला ही चैप्टर वहां पे पढ़ोगे। ओके, देखो इसको एक बार आप डिराइव करना, मैं ये वाला फिर से एक बार बताऊंगा, थोड़ा इतना जो ओवर क्राउडिंग हो गया है ना मुझे थोड़ा मिस लग रहा है, तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा, वरना आपको समझ तो आ ही गया होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है, इसलिए इसको एक बार फिर से डिराइव करते हुए और आप लोग मुझे बताओगे किस तरह डिराइव करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे आज आप सारे फॉर्मूला।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेप वाइज इसको डिराइव करने के बाद और कुछ इससे रिलेटेड फॉर्मूला देंगे। कभी कभी कुछ दिया जाता है एग्जाम में कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं सर।